ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में भी हम चर्चा करते हैं मोहन, वशीकरण और आकर्षण जैसे प्रयोगों के ऊपर। मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूँ कि ये जो वशीकरण के, आकर्षण के प्रयोग होते हैं, इनकी गिनती भी मृदु अभिचार कर्मों में ही होती है। और अभिचार कर्म वो मंत्र के प्रयोगों में अशुभ कर्म माने जाते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके इन प्रयोगों को करने के समय सावधानी और विवेक का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इन प्रयोगों का दुरुपयोग ना हो, अन्यथा उसके दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव वो भी हमें ही देखने होंगे। सांसारिक कार्यों में ऐसे कार्य की ऐसी अवस्था आन पड़े जहाँ पर हमें और कोई रास्ता दिखाई ना देता हो और आवश्यक हो कार्य को करवाना, किसी को कोई व्यक्ति अनाया अकारण हमें परेशान करके किसी दुर्भावना के कारण हमसे दुर्भावना रखता हो, वहाँ पर इन प्रयोगों को करके यदि हम अपना कार्य साधन करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। ये विवेक हमें अवश्य ध्यान में, इसका विवेक का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए वशीकरण, आकर्षण और मोहन के प्रयोगों में। वैसे अगर देखा जाए तो सामर्थ्य कैसा भी हो, शक्ति कैसी भी हो, उसके दुरुपयोग से बचना चाहिए, लेकिन मंत्र जगत में, मंत्रों के प्रभाव में ये बात विशेष लागू होती है। अगर मंत्रों के प्रयोग से, साधना का प्रयोग से अगर दुरुपयोग किया जाए तो वो यह जीवन इसमें तो कष्ट देता ही है, अगले जीवन के लिए भी कष्टकारी प्रभाव छोड़ देते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके किसी भी प्रकार की साधना का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। लेकिन संसार बड़ा कठिन, बड़ा जटिल, कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो सहजता से जहाँ कार्य ना बनते हों फिर वहाँ आवश्यकता पड़ती है तंत्र मंत्र और साधना जैसे प्रयोगों की। तो आज के इस वीडियो में आकर्षण, मोहन और वशीकरण जैसे ही प्रयोगों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ व्यक्तियों की हनुमान जी में बहुत आस्था होती है, तो जो हनुमान के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं, उनके लिए एक आकर्षण का, वशीकरण का, मोहन का, तीनों कार्य होते हैं। इससे किसी व्यक्ति विशेष को यदि वशीभूत करना हो, उसे आकर्षित करना हो, उसे अपने प्रति अनुचर, अनुगामी बनाना हो, मोहित करना हो, तो उसके लिए प्रयोग बहुत उपयोगी है। और वो मंत्र है ओम पीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहाँ जहाँ जाए फतेह के डंके बजाए, अमुक को मोह कर मेरे पास न लाए, तो अंजनी का पूत न कहाए, दुहाए राम जानकी की। इतना सा मंत्र है। अमुक की जगह पर हमें उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा जिसका हम मोहन करना चाहते हैं, जिसे वशीभूत करना चाहते हैं। इसका प्रयोग कैसे करें, पहले इसको मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। हनुमान जयंती, रामनवमी या फिर जो सिद्ध पर्व आते हैं उनमें इस मंत्र की कम से कम 11 मालाएं अमुक बोल करके हम इसका जप करके इस मंत्र को सिद्ध करें। जब मंत्र का हम सिद्ध करेंगे उसको, तो इस मंत्र को अमुक बोल करके हम इसका मंत्र को 11 माला जप करके सिद्ध कर लेंगे। और जब प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो अमुक की जो है तब उसका नाम लेंगे। फिर प्रयोग कैसे करेंगे, प्रयोग करने के लिए हम किसी भी खाने पीने की वस्तु को जो दूध से बनी हो वो मिठाई हम अभिमंत्रित करेंगे, उसी व्यक्ति का नाम लेकर के, और उसे किसी भी बहाने, किसी भी माध्यम से उसको खिला दी जाए, वो व्यक्ति आपका अनुगामी हो जाएगा, आपके प्रति सद्भावना रखेगा, आपके प्रति आकर्षित और मोहित हो जाएगा। फिर वो कोई भी हो, साध्य कोई भी हो सकता है, ये व्यक्ति विशेष किसी एक व्यक्ति के लिए काम में लिए जाना वाला प्रयोग है।
हनुमत जयंती, हनुमान जी की जयंती, रामनवमी, दशहरे का दिन, या फिर नवरात्रा में प्रतिदिन 9 दिन तक यदि हमको समय लगता हो, दीपावली आदि में, हनुमान जयंती आदि में अगर समय हो विशेष, तो नवरात्रा में 9 दिन, या फिर होली की रात्रि में, किसी भी सिद्ध पर्व में इसको किसी भी प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। और शाबर मंत्रों को सिद्ध करने का जो विधान है वो यहाँ पर भी लागू होगा, इसको प्रयोग करें। और किसी व्यक्ति विशेष को वशीभूत करने के लिए ये प्रयोग बहुत कारगर और अनुभूत है, इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा एक प्रयोग, कई व्यक्तियों की भगवान सूर्य में बहुत आस्था होती है, सूर्य के उपासक होते हैं, नियमित सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया करते हैं, सूर्य मंत्र का जप करते हैं, या आदित्य स्तोत्र आदि का पाठ का नियम है कई व्यक्तियों का। उन व्यक्तियों के लिए एक प्रयोग, ये भगवान सूर्य से संबंधित है, ओम नमो भगवते श्री सूर्याय ह्रीं सहस्त्र किरणाय ऐं अतुल बल पराक्रमाय नवग्रह दश दिक्पाल लक्ष्मी देवाय धर्म कर्म सहिताय अमुकम नाथय नाथय मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय दासानुदासम कुरु कुरु वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को भी नवरात्रा में 9 दिन तक एक माला प्रतिदिन भगवान सूर्य का ध्यान करके इस मंत्र को जप करके सिद्ध किया जाए। यदि ग्रहण काल मिलता है तो ग्रहण काल में ग्रहण लगने से समय से लेकर के और ग्रहण पूर्ण होने तक इसको जप करके सिद्ध कर लिया जाए। फिर इसमें जहाँ पर अमुक शब्द है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेकर के इसका प्रयोग करना चाहिए। और प्रतिदिन हम एक माला का जब इसका मंत्र थोड़ा बड़ा है, यदि व्यक्ति विशेष बहुत प्रबल हो, सामर्थ्यवान हो, किसी बड़े पद पर हो तो एक माला की आवश्यकता पड़ेगी, और व्यक्ति यदि सामान्य है तो 21 बार के 11 बार के जप करने से ही उसका आपके प्रति उसके जो विचार हैं वो सहज हो जाएंगे, आपके प्रति वो व्यक्ति आकर्षण महसूस करेगा, आपके प्रति मोहित हो जाएगा। अब एक मंत्र और, वो भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी एक व्यक्ति को वशीभूत करना हो तो उसके लिए भी ये मंत्र बहुत सहायक है, और वो है ओम नमो कट कट घोर रूपिणी अमुकम में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र को 10 माला प्रतिदिन जप करना चाहिए, 9 दिन तक नवरात्रा में प्रतिदिन इसका 10 माला का जप किया जाए, और उसके बाद रविवार को विशेष करके केवल रविवार को इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर अमुक है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना होगा हमें जिसे हम वशीभूत करना चाहते हैं, जिसे हम अपने प्रति अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, और 21 बार या कम से कम 11 बार जप करके और भोजन को हम अभिमंत्रित करें, और उस व्यक्ति का जिसे हम वशीभूत करना चाहते हैं उसी का ध्यान करते हुए भोजन किया जाए। 7 रविवार इस तरह से करें, वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं उस तरह से आचरण करेगा। एक मंत्र और वो है ओम चामुंडे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। इस मंत्र का भी, इसकी भी 10 माला प्रतिदिन नवरात्रा में जप करके इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। यह मंत्र जागृत होने पर आप किसी व्यक्ति विशेष से कोई कार्य के लिए जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो इस मंत्र की एक माला जप करके उसके सामने चले जाएं, और यदि मौका मिलता है, आपको अवसर मिलता है सामने बैठ करके बात करने का, तो अगर समय मिलता है तो मन ही मन इस मंत्र का जप करें और फिर बातचीत करें। आप जैसा चाहेंगे उस तरह से व्यक्ति आपके अनुकूल परिणाम देंगे, आपके वशीभूत एक तरह से सामने वाला व्यक्ति हो जाएगा। सामने वाले व्यक्ति को यह मंत्र प्रभावित करने का काम करता है। एक मंत्र और वो है ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। प्रातःकाल उठे हम,
किसी भी बर्तन में, गिलास में, लोटे में हम जल ले लें और इस मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित करें 11 बार 21 बार उसको मंत्र को इसको पढ़ के और उसको मंत्र को फूंक दें, उस जल पर उसको अभिमंत्रित करें। प्रयोग करने से पूर्व इस मंत्र को भी जैसा विधान है, हम शाबरी मंत्रों को जिस प्रकार से सिद्ध करते हैं ग्रहण काल में, होलिका की रात्रि में, या फिर 10 माला प्रतिदिन नवरात्रा में जप करके इसको जागृत चैतन्य कर लें और फिर इसको इस मंत्र से प्रतिदिन उठ करके हम किसी पात्र में जल लेके उस जल को अभिमंत्रित करें और उस अभिमंत्रित जल से अपने मुंह को धोएं। ये कार्य उठते ही करना चाहिए, इसके बाद ही चाय वगैरह जो भी कुछ लेना है हमको सब बाद में लें, सबसे पहले इस कार्य को करना चाहिए। इसका नियम यदि बना लेते हैं हम तो उस अवस्था में दिन भर आपसे जो भी व्यक्ति मिलेंगे, जो भी आपका मुंह देखेंगे, वो सहज रूप से आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपके प्रति सद्भावना रखेंगे, आपके प्रति एक तरह से कह सकते हैं कि मोहित होंगे, आपके चेहरे को, आपके व्यक्तित्व को वो आकर्षक और मोहित बना देता है। ये छोटा सा मंत्र, सहसा प्रयोग है इसका। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि इन प्रयोगों को करने से पूर्व हमको अपने विवेक का अवश्य उपयोग करना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी भी मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए शाबर मंत्रों में जो आकर्षण मोहन वशीकरण के जो मंत्र हैं उनकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना विशाल है जैसे सागर के समान। मैंने कुछ मंत्रों का आपके सामने अभी प्रस्तुत इस वीडियो में भी किए, इससे पूर्व भी दो वीडियो में भी मैं कुछ प्रयोगों को दे चुका हूँ। मैंने उन्हीं प्रयोगों को आपके सामने प्रस्तुत किया है जिनका प्रयोग मैंने दिया किसी साधकों को, जिनकी आवश्यकताएं पड़ी जैसी, उनको मैंने ये प्रयोग दिए और जिन लोगों ने प्रयोग करके मुझे परिणाम बताए सार्थक, इनके प्रभाव उन्होंने देखे, वही प्रयोग मैंने यहाँ पर इन कुछ वीडियो, तीन वीडियो में जो ये पिछले दो और एक वीडियो, उन्हीं को दे रहा हूँ। वैसे भी अब तक जितने भी मंत्र प्रयोगों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो वही प्रयोग हैं जो अनुभूत हैं, या तो मेरे या फिर मेरे पास किसी भी काम से आए, मैंने उन्हें बताए उनके द्वारा। अन्यथा अगर देखा जाए तो मंत्र विज्ञान का विषय इतना गहन है, एक ऐसे सागर के समान जिसकी गहराई का कोई और छोर नहीं, गहराई भी जिसकी अथाह और जिसकी सीमा का भी कहीं कोई दिखाई नहीं देती, इतना गहन विषय मंत्र विज्ञान का, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे शाबरी हो, किसी भी एक विषय के मंत्र के विषय की भी उसको भी था पाना बहुत मुश्किल। हम करें क्या, हम सिर्फ इतना सा करें, हम प्रयास करें कि अगर कोई अनुभूत प्रयोग मिलता है उसको करने का प्रयास करें, उसका हम प्रयोग करें। तो क्योंकि किसी व्यक्ति का वो किया हुआ है और कोई कहता कि मैंने इसको किए और मैंने सार्थक परिणाम देखे, तो थोड़ी सी आस्था बढ़ जाती है उनके प्रति। और दूसरी बात, दूसरी ये है कि हम इतने अथाह कोई प्रयोग, कई इतने जटिल हैं, इतने गंभीर हैं कि उनको करना सहज नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास भी कितने ही प्रयोगों का संग्रह है मंत्र विज्ञान में, लेकिन आम व्यक्ति के लिए वो जटिल से हैं, कठिन से हैं, इसलिए उन प्रयोगों की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उन प्रयोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिन्हें सहजता से, सरलता से कोई भी कर सकता है। तो वशीकरण आकर्षण के इन प्रयोगों में से किसी को भी आप जिसे भी उपयुक्त समझते हों उनको आप अपने प्रयोग में लाएं और अपनी सांसारिक जीवन की किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो उनका समाधान खोजें। चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार।